गाजियाबाद में G20 को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा एलिवेटेड रोड पर भारत की संस्कृति और धरोहरों को दर्शाया जा रहा है। दरअसल हिंडन एयरपोर्ट से लेकर यूपी गेट तक के 16 किलोमीटर के इस लंबे रास्ते में भारत की अलग अलग संस्कृति और धरोहरों को दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में कई कोट्स भी लिखे गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 लोकल ने बात की गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल से। G20 में बाहर के सभी अतिथि आ रहे हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की और साथ में यूपी की खास तौर से कल्चर उन्हें दिखाई दे, तो उसके लिए हमने LED की प्रबंधन किया है, जिसपे हमारे राम मंदिर, काशी और जो भी यहाँ की संस्कृति है लगातार वो चलेगी। जितने भी होर्डिंग लगेंगे, मोदी जी के आदरणीय, योगी जी के आदरणीय, मोदी जी के फोटो रहेंगे, पीछे राम मंदिर का, काशी वाराणसी के काशी विश्वनाथ का चित्र रहेगा, उस पर बहुत सारे नृत्य के जो हमारे यहाँ के फोक डांस हैं उसके चित्रों के साथ रहेगा। और साफ सफाई तो हमेशा ही रहती है, किंतु चित्रकारी पूरे एलिवेटेड रोड पे नए तरीके से कराई जा रही है, जिससे खूबसूरत वातावरण दिखाई दे। और अतिथियों का खासतौर से मैंने कहा कि वो उसे पढ़ पाए, हिंदी सब नहीं पढ़ पाएंगे, किंतु उनके वेलकम जो लिखा जाएगा G20 में आने वाले अतिथियों का स्वागत है, तो वो अंग्रेजी में लिखे और साथ में गाजियाबाद कॉरपोरेशन, तो इस तरह की व्यवस्था है। फूलों से, गमलों से पूरे मार्ग को सुसज्जित किया जाएगा। कितना बजट नगर निगम ने इसके लिए बनाया है और किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की गई? देखिए, कई काम तो मैंने कुछ लोगों से कह के करा दिए हैं और उसमें बजट की आवश्यकता नहीं है। LED है, कुछ होर्डिंग्स है, कुछ नगर निगम के द्वारा होंगे, तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है कितना बजट होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूछा नहीं है, पर मेरे ख्याल से यूपी गवर्नमेंट से भी बजट आया है। इन सड़क के जो गड्ढे हैं उनको किस रूप से आप लोग विभागों के द्वारा भरे जा रहे हैं, और G20 के लिए विदेशी मेहमानों के वेलकम के लिए साइन बोर्ड अच्छे अच्छे लगाए गए? हाँ जी, उस रूट पे, जिस रूट पे अतिथि जाएंगे उस पे पहले से ही गड्ढे नहीं है, एक दो गड्ढा मैंने हल्का सा एलिवेटेड पे अभी देखा इसी बरसात में, तो ही भरने शुरू हो गए हैं, तो उस रूट पे बिल्कुल भी नहीं है, उसको हमने बिल्कुल क्लीन पहले भी करा दिया था और अब भी करा रहे हैं और उस पे नहीं है। और जब वो जाएंगे G20 से, अंडरपास से, तो वहाँ भी सारे में चित्रकारी बड़ी खूबसूरत हुई है, अच्छा एक माहौल, अच्छा एक संदेश, अतिथियों के आगमन पे उनका वेलकम किया जा रहा है अपनी रीति रिवाज से, इसको देख रहे हैं हम लोग।